नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीकर्णी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC में। चलते हैं दोस्तों 21 जुलाई से 28 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स। और सबसे पहले फाइंड आउट द फेस कंपटीशन में पिछले वीडियो में मैंने आपको जाने माने भारतीय लेखक के बारे में फोटो दिखा के पूछा था कि आप कौन है। जी हाँ, आप है चेतन भगत, जिनकी कुछ किताबें काफी पॉपुलर है, जिसमें द वन इंडियन गर्ल, द हाफ गर्लफ्रेंड, रिल्यूशन 2020, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, वन नाइट, द कॉल सेंटर एंड 5 पॉइंट फॉर समवन। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में ये किताबें पूछी जाती है। चलते हैं दोस्तों इससे आगे आज की करंट अफेयर्स की तरफ। और सबसे पहले चलते हैं क्रोएशिया, जहां क्रोएशिया पार्लियामेंट के अंदर हुए चुनाव के अंदर एंड्रेज प्लेनविक को नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है। दोस्तों क्रोएशिया की पार्लियामेंट के अंदर 151 मेंबर असेंबली है, जिसमें 76 मेंबर ने एंड्रेज प्लेनविक को वोट करा और 59 ने इनके अगेंस्ट में वोट करा। दोस्तों क्रोएशिया एक बाल्कन कंट्री में आता है, जिसकी कैपिटल ज़ागरीब है और जहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में जोरान मिलानविक है और करेंसी के रूप में यहाँ क्रोएशियन कूना नाम की करेंसी चलती है। तो हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है कि हम एशिया के क्रो है, यानी हम एशिया के क्रो है तो क्रोएशिया, और हमें लोग बोलते हैं जा गरीब जा, जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तो जोर से बन जाएगा प्रेसिडेंट और जाके कोने में बैठ जा, ठीक है ना, और वहां जाके एंड्रेज याद रखना है दोस्तों, तो उससे याद हो जाएगा एंड्रेज प्लेनविक वहां के प्राइम मिनिस्टर है। तो हम एशिया के क्रो है, जिसे कहते हैं जा गरीब जा, कोने में बैठ जा और एंड रोज आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको पीएम प्रेसिडेंट, वहां की राजधानी, वहां की करेंसी याद हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों कारगिल विजय दिवस की तरफ। जी हाँ, अभी 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस की 21वीं जन्मगांठ मनाई गई थी। जी हाँ, 21वीं एनिवर्सरी थी 2020 के दिन, जुलाई 26 के दिन कारगिल विजय दिवस। दोस्तों कारगिल विजय दिवस के बारे में हम जानते हैं, हमारी आर्मी ने 1999 के अंदर कारगिल वार को पाकिस्तान की सेना को खदेड़ कर जीता था। दोस्तों कारगिल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है, जहां पे पाकिस्तान की सेना ने पीठ पीछे वार करा था भारतीय सेना के ऊपर, और फिर भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय आर्मी के द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन विजय में इंडियन आर्मी को सफलता हासिल हुई और उनका ऑपरेशन विजय सक्सेस हुआ। और 3 महीने तक चले इस लंबे जंग के अंदर भारतीय सेना ने तिरंगा वापस कारगिल के ऊपर फहरा दिया, इसलिए हम 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों सीआरपीएफ की तरफ, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ। सीआरपीएफ ने अभी हाल ही के अंदर 82वां अपना स्थापना दिवस मनाया था 27 जुलाई 2020 के दिन। दोस्तों सीआरपीएफ, जिसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जिसका मोटो सेवा और निष्ठा है, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 के दिन हुई थी और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के ऊपर AP महेश्वरी है। दोस्तों सीआरपीएफ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है, जहां अमित शाह होम मिनिस्टर है और पीएम नरेंद्र जी मोदी है। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और आपको लेके चलता हूं द एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ। जी हां, 22 से 24 जुलाई 2020 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर जो वायु भवन है, वहां पर एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसे हम AFCC कहते हैं, वो कंडक्ट की गई, जिसकी थीम इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड डिक्लेयर की गई। दोस्तों यहाँ इंडियन एयरफोर्स को जानना जरूरी है, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के दिन हुई, इसलिए हम एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। इंडियन एयरफोर्स, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और वर्तमान में एयर चीफ मार्शल की पोस्ट के ऊपर राकेश कुमार सिंह भदौरिया एयर चीफ मार्शल है। चलते हैं दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी की तरफ, और मैं आपको लेकर चलता हूं मणिपुर। जी हां, मणिपुर के अंदर हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी ने 3,054 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करा। 3,054 करोड़ रुपए मणिपुर के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट आते हैं उनमें वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी ने करा। दोस्तों मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है, जहां पे एन बीरेन सिंह एज ए CM के रूप में और गवर्नर के रूप में नजमा हेपतुल्ला है। चलते हैं दोस्तों
स्पोर्ट्स जगत की तरफ, और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में आखिरकार डिक्लेरेशन कर दिया गया है। जी हाँ, चौथे एडिशन यानी फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम को होस्टेड करेगा हरियाणा। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आखिरकार अनाउंस करा है कि चौथे एडिशन यानी फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसे हम KIYG कहते हैं, वो 2021 के अंदर हरियाणा के अंदर आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला के अंदर इन कार्यक्रमों का जो है ये कार्यक्रम होंगे और स्टार स्पोर्ट्स को इसका ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर घोषित किया गया है, जो कि पिछले साल भी था। दोस्तों, ये गेम 2021 में खेले जाएंगे, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के बाद। दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा को जानना जरूरी है। हरियाणा, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और जहाँ पे सीएम के रूप में मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर के रूप में सत्यदेव नारायण आर्य है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों दो किताबों की तरफ। जी हाँ, एस जे शंकर सर के द्वारा अभी हाल ही के अंदर द इंडिया वे द स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक किताब लॉन्च की गई, जिसके ऑथर स्वयं एस जे शंकर सर थे। जी हाँ, याद करने का तरीका बड़ा इजी है कि अभी सावन का महीना चल रहा है और जो जयजयकार करेगा शंकर की, उसको इंडिया में रास्ता 100% मिलेगा। तो द इंडियन वे आपको याद रखना है, और अनसर्टेन वर्ल्ड के अंदर इंडिया में जब जय शंकर बोलेंगे तो आपको इंडिया में रास्ता 100% मिलेगा। दोस्तों, चलते एक और किताब की तरफ, जो कि फॉर्मर RBI के डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य ने लिखी है, और इनमें जो साथ दिया है, फॉलो जो किया है, वो डॉक्टर YV रेड्डी ने करा है दोस्तों, जो कि RBI के 21वें गवर्नर और 14वें फाइनेंस कमिश्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों, बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर लिखी गई ये किताब काफी इम्पोर्टेंट है, जो आपके बैंकिंग और फाइनेंस के एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस किताब का नाम है क्विस्ट फॉर रिस्टोरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया बाय विरल वी आचार्य एंड फॉलोड बाय द डॉक्टर YV रेड्डी। तो दोस्तों, याद करने का तरीका, क्वेश्चन करना है और इसको स्टोर कर लीजिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और ये आचार्य हूं मैं आपका, यानी आपका गुरु हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे क्वेश्चन को स्टोर कर लीजिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और मैं आपका आचार्य, इसलिए हो जाएगा आपका विरल वी आचार्य। चलते हैं दोस्तों, 15/10/1931 के दिन भारत में जन्मे उस महान नायक, जिसे कि हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। जी हाँ, इनकी डेथ एनिवर्सरी अभी मनाई गई APJ अब्दुल कलाम सर की 27 जुलाई के दिन। 27 जुलाई 2015 के दिन इस महान पुरुष ने आखिरकार इस विश्व जगत से अलविदा कह दिया। दोस्तों, पूरे विश्व में APJ कलाम सर को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के इस वीर सपूत को शत शत नमन, और हम सब की तरफ से SKCC परिवार की तरफ से इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दोस्तों, इनका एक कोटेशन मुझे, हालांकि काफी कोटेशन सर ने लिखे, लेकिन एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, सक्सेस इज वैन योर सिग्नेचर विकम एन ऑटोग्राफ। जी हाँ, तब तक लड़ते रहिए और तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी जब तक कि आपके हस्ताक्षर एक ऑटोग्राफ में कन्वर्ट नहीं हो सकते। दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपके लिए पूछना चाहता हूं। सर का जन्म 15 अक्टूबर के दिन हुआ, 15 अक्टूबर के दिन इनके जन्म को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि इनका महापरिनिर्वाण दिवस 27 जुलाई के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई खुद की ऑटोबायोग्राफी, जिनमें इनका साथ अरुण तिवारी सर ने दिया था, उसका नाम विंग्स ऑफ फायर है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो आपका आंसर होता है विंग्स ऑफ फायर, और इसमें इनका साथ अरुण तिवारी सर ने दिया। दोस्तों, ऐसे ही एक और किताब जो APJ अब्दुल कलाम सर की है, लाइफ लेसन फॉर द यूथ द लर्निंग हाउ टू फ्लाई द टर्निंग पॉइंट एंड ओवर ए 1 मिलियन कॉपी जो सोल्ड हुई दोस्तों, इग्निटेड माइंड्स द अन लेसिंग द पावर विद इन द इंडिया। ये कुछ किताबें हैं दोस्तों, जो कि APJ कलाम सर के द्वारा लिखी गई, जो कि फेमस किताबें हैं और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज का फाइंड आउट द फेस कॉम्पिटिशन आपके सामने है, चेहरा पहचानो प्रतियोगिता, और आपको बताना है कि भारत में किस महिला को द मिसाइल वुमेन्स के नाम से जाना जाता है।
जैसे मिसाइल मैन के नाम से एपीजे सर को जाना जाता है, वैसे ही मिसाइल वुमेन के नाम से किनको जाना जाता है, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।